कवर करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता एक बृहत सभ्यता थी, ठीक है, लेकिन उस सभ्यता में कुछ ऐसा, अगर कोई सभ्यता है, ठीक है, कोई कल्चर है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्थान पर होगी, वो दूर दूर तक फैली रहती है, उसके कुछ भाग दूर दूर तक फैले होते हैं। तो उन्हीं भागों को, उन्हीं सभ्यताओं को हम लोग कवर करेंगे आज के इस क्लास में। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसको लिखने के लिए, यानी प्रमुख तथ्यों को लिखने के लिए, हम लोग वर्ष वाला कॉलम बनाएंगे, उत्खननकर्ता वाला कॉलम, प्रमुख स्थल वाला, और नदी और स्थिति, यानी किस सभ्यता का किस भाग का। वैसे टोटल तो सिंधु सभ्यता था, लेकिन उस सभ्यता में कुछ ऐसे भाग थे, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, उनके बारे में ही बहुत सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। वर्ष, उत्खनन करता, प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति, किस वर्ष इसकी खुदाई हुई थी, ये सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी उस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब चीजों के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सबको एक लाइन से कवर करने चलेंगे हम लोग। अगर बात करें हम लोग वर्ष 1921, ठीक है, वर्ष 1921 में किसका उत्खनन, किस चीज की खुदाई हुई थी, और उसके खुदाईकर्ता कौन थे, यानी उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहिनी, ठीक है, दयाराम साहिनी। आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात हुई, ठीक है। दयाराम साहिनी की अगर बात करें तो इन्होंने हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की बात हो रही है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा स्थल की खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहिनी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर, कहां, बाएं तट, बाया दाया, ठीक है, जैसे बाया ऐसे हो गया, मान लेते हैं ऐसे नदी जा रही है, ऐसे नदी जा रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दाया तट है और ये बाया तट, तो इस प्रकार की इधर थी, ठीक है, हाँ, तो रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का ये एक पार्ट है, ठीक है, यह एक पार्ट है। अगर ये बात करें स्थिति वर्तमान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में, कहाँ है भैया, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है इसकी स्थिति, ठीक है। पाकिस्तान का कोई जिला है, मोंटगोमरी, ठीक है, मोंटगोमरी जिला है उसमें है, ठीक है, आप लोग मोटा मोटी लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ष 1921 में क्या हो गया, दयाराम साहिनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था, करवाया था, ठीक है, वैसे ये भी उसी में लगे रहे होंगे, खुदाई तो मजदूर या फिर कुछ विशेष कारीगर ही लोग खोदते होंगे, ठीक है। 1901 साल बाद, ठीक है, 1922 में आए थे राखलदास बनर्जी, इन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो, हाँ, एक फिल्म है मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन का है, तो आप लोग देखने जाएंगे उसको, या फिर देख सकते हैं, ये तो बहुत पुराना फिल्म है, 2-3 साल पहले का, तो उसको देखेंगे, तो उसमें आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन मिलता है, ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन करवाया था, तो राखलदास बनर्जी, वर्ष 1922 में, ठीक है। ये किसका, सिंधु, हाँ, ये जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी किनारे है, तो ये सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी भी कहाँ बहती है, पाकिस्तान में ही बहती है, और इस सिंधु के बाएं तट, ठीक है, ये भी सिंधु के बाएं तट, ठीक है, बाएं तट, ये नदी है, सिंधु नदी के बाएं तट पे ये बसा हुआ था। हड़प्पा कहाँ बसा था, रावी नदी के बाएं तट पे बसा, ठीक है, और ये भी सिंध प्रांत में, ठीक है, ये सिंध प्रांत में है, ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे लिखते चलेंगे, वर्ष 1931 का, ठीक है, वर्ष 1931 का
तो वर्ष 1931 में क्या हुआ था, ये जो गोपाल दास मजुमदार है, ठीक है, मजुमदार ऐसे गोपाल 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 दास मजुमदार, ठीक है, गोपाल दास मजुमदार, ठीक है, मजुमदार, ठीक है, गोपाल दास मजुमदार 1931 में किसका चन होदड़ों की खुदाई करवाई थी, ठीक है, चन होदड़ों। हाँ, अगर बात करें मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, यहाँ पर कई अस्थियां दबी हुई मिली थी, ठीक है। हाँ, चनहुदड़ो ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे पर ही मिला, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ही मिला है, और ये भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान प्रांत में। हाँ, अभी आप लोग कहेंगे कि सब पाकिस्तानी प्रांत में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा, राजस्थान में आएगा, ठीक है, गुजरात में आएगा, जम्मू कश्मीर में आएगा, हरियाणा में आएगा, ये चीजें भी आएंगे, ठीक है, अभी हमारे प्रदेश में भी आएगा, हमारे देश में भी, ठीक है। वर्ष 1931 में गोपाल दास मजुमदार ने चनहुदड़ों की खुदाई करवाई थी, और चनहुदड़ों कहाँ पर बसा था, सिंधु नदी के किनारे, दाएं या बाएं ऐसे कुछ भी, ठीक है, या ये बाएं, ठीक है, दाएं, माफ कीजिएगा, दाएं, ठीक है, ये दाएं नदी, सिंधु के दाएं बसा हुआ था, दाएं बाएं से वो लोग अपना समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है, जो रो है, वो थोड़ा पतला पतला है ना, ठीक है। अगर बात करें वर्ष 1953, ठीक है, वर्ष 1953 में ये जो है, ये बीबी लाल, ठीक है, और वी के थापर, बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल, बीबी लाल, और ठीक है, वी के थापर, वी के थापर, थापर, ठीक है, वी के थापर और बीबी लाल, ठीक है, इन्होंने खुदाई करवाया था कालीबंगा का, ठीक है, कालीबंगा का, ठीक है, कालीबंगा का, तो ये कालीबंगा की खुदाई करवाई थी इन्होंने, और ये जो है कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे था, ठीक है, घग्घर नदी है, घग्घर गुजरात में बहती है, घग्घर, ठीक है, घग्घर, ये घग्घर लिखा हुआ है, घग्घर नदी के किनारे था ये, राजस्थान में, वर्तमान में राजस्थान, हमारे भारत का, ठीक है, राजस्थान में है, हमारे भारत में, तो ये घग्घर हनुमानगढ़ जो जिला राजस्थान में पड़ता है, वहां पर घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता थी बसी हुई थी, ये कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फलान, ढिमकान, ये सब सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है, ठीक है, प्रमुख स्थल है उनके बारे में, तो इसकी खुदाई कौन कर रहा था, बी के लाल, बी बी लाल और बी के थापर, ठीक है, वर्ष 1953 में। वर्ष 1921 की बात करें तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाए थे, जो कि रावी नदी के बाएं तट पे स्थित माना गया है, पाकिस्तान जिले में है वर्तमान में। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाए, जो कि सिंधु सभ्यता के बाएं छोर पर था, और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। हाँ, अब ये जो है इसका धराशाही भाग यानी खंडित भाग ही मिलता है, ऐसा है नहीं कि अभी भी बना हुआ है, ठीक है, उसको साफ सुथ करके क्या किया गया है, पर्यटक स्थल बना दिया गया है, पर्यटक आते हैं देखने के लिए। वर्ष 1921 की बात करें तो गोपाल दास मजुमदार चनहुदड़ों की खुदाई करवाए थे, सिंधु के दाएं नदी के दाएं तट पर स्थित है, और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में। वहीं अगर बात करें वर्ष 1953 में बीबी लाल एंड वी के थापर ने कालीबंगा की खुदाई करवाई थी, और ये घग्घर नदी के किनारे था, और ये वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। जो पहले सभ्यता थी, ऐसा तो है ना कि ये पाकिस्तान था, ये अफगानिस्तान था, ऐसा कुछ नहीं, सब एक मिलके ही था, बाद में ये सब इधर टूटना फूटने वाली क्रिया हुई कि ये देश विभाजन और फलान विभाजन, ढमकान विभाजन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इस चीजों का, ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे इन सब चीजों पर। अगला अगर बात करें, दिख रहा है ना सर, दिख रहा है ना सर, चलो ठीक, कोई बात नहीं, इतना भी मैनेज कीजिए, ठीक है, सब दिख रहा है ना, वेरी गुड। अगर वर्ष 1953 का तो गया, एक और था वर्ष 1953 में, एक और खुदाई हुई थी, फजल अहमद ने करवाया था, ठीक है, फजल अहमद ने करवाया था, उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ये किस स्थल की खुदवाई करवाई थी, तो कोट ऐसे है, कोट डीजी, ठीक है,
कोटदीजी जो स्थल था उसकी खुदवाई खुदाई वर्ष 1953 में फजल अहमद साहब ने करवाया था, और ये सिंधु के बाएं तट पर है। ठीक है, सिंधु के बाएं तट पर है, ये भी सिंधु शब्द। अब सिंधु आ गया तो ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान में, ठीक है, सिंधु के बाएं छोर पर सिंधु, मोहनजोदाड़ो भी था ये भी। अब सिंधु नदी थोड़ी सी छोटी है नहीं, बहुत बड़ी है भाई ऐसे, तो यहाँ पर कुछ सभ्यता कुछ थोड़ी दूर जाके बसी हुई थी। ठीक है, तो ये भी सिंध प्रांत यहाँ खैरमपुर, ये पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में ही पड़ता है ये भी, ठीक है, पाकिस्तान। हाँ, एक बार जानेंगे सिंधु नदी वाला एरिया को सिंधु प्रांत कहा जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु वाली एरिया को सिंधु सिंध वाले एरिया को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें वर्ष 1953 से वर्ष 1954, ठीक है, एक साल का अगर बात करें, वैसे टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है नहीं कि तुरंत ही हो जाता है। वर्ष 1953 से वर्ष 1954 में रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव ने खुदाई करवाई थी किसकी, ये मादर, ठीक है, ऐसे मादर एक स्थल है, मादर एक स्थल रंगनाथ राव ने करवाया था। तो ये जो नदी है मादर नदी नाम भी उसका है, ठीक है, ऐसे बहुत अजीब नाम है फिर भी मादर, ठीक है। और ये जो है वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात के कठियावाड़ में, ठीक है, गुजरात की कहाँ, कठियावाड़ में, नोट करेंगे इसको, एक और देखेंगे फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सही, वर्ष 1953 से, हाँ, वर्ष 1953 से 1956 तक, ठीक है, यानी 3 साल तक खुदाई हुई थी, और इसकी खुदाई कौन करवाया था, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, ये जो प्रमुख सभ्यता थी ये रंगपुर ऐसा कुछ था, ठीक है, ये रंगपुर, ये मादर जो था वो रंगपुर की जो प्रमुख स्थल है उसका, ठीक है। तो वर्ष 1953 से वर्ष 1956 की अगर बात करें तो इसकी खुदाई कौन करवाया था, रंगनाथ राव ने फिर इसकी खुदवाई करवाया था, ठीक है, ये जो वर्ष 1953 से रंगनाथ नाम नहीं क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, या यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। और ये जो है रोपड़, ठीक है, रोपड़ स्थान है गुजरात में ही है रोपड़, ठीक है, रोपड़ स्थान है, ठीक है बच्चा, गुजरात में नहीं, आई थिंक पंजाब में, हाँ पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में है। तो ये सतलज नदी के किनारे, किस लिए, सतलज, ठीक है, सतलज नदी ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब में इसका स्थिति है वर्तमान में, ठीक है, रोपड़ का, यज्ञदत्त शर्मा, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। हाँ, वर्तमान में ये जो रोपड़ है, रोपड़ को एक जिला भी पंजाब का कहा जाता है, ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग उसके नीचे ही लिखते जाएंगे, ठीक है, हमारा स्क्रीन छोटा होने की वजह से हम मुझे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे बना लेंगे फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर 1955, ठीक है, 1955 से 1963 तक, 1955 से 1963 तक फिर खुदाई हुआ था, उसकी खुदाई करवाए थे रंगनाथ राव जी ने, ठीक है, लोथल का, ठीक है, रंगनाथ राव कौन करवाया था, रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव ने उसका खुदवाई करवाया था, ये लोथल, ठीक है, लोथल स्थल जो है उसकी खुदाई करवाया था रंगनाथ राव ने, ठीक है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी का, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, भोगवा नदी, ठीक है, ये गुजरात में वर्तमान में है, गुजरात, भोगवा नदी जो है गुजरात में है, और इस लोथल जो स्थल था, लोथल सिंधु सभ्यता का, वो कहाँ था, वो भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था, ठीक है, दाएं बाएं ये क्लियर नहीं है, फिर भी उसी नदी के किनारे, ठीक है, क्लियर है।
ठीक है बच्चों, बहुत सही, शानदार। एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जो इस चैनल पे नया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो रंगनाथ राव ने बुल्लोथल की भी खुदाई करवाई थी, ठीक है, भोगवा नदी किनारे है, वर्तमान में गुजरात में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद नोट करेंगे ऐसे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। आगे अगर बढ़े हम लोग, ठीक है, लोथल हो गया, फिर यज्ञदत्त शर्मा जी ने वर्ष 1958, ठीक है, वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने फिर खुदाई करवाई। किसकी खुदाई करवाई? इन्होंने आलमगीरपुर एक स्थल है वहां पर, ठीक है, आलमगीर, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग होते हैं पुरातत्व विभाग के अधिकारी होते हैं, वही लोग खुदवाते हैं, ठीक है। आलमगीरपुर, ये इन्होंने, ये हिडन नदी के किनारे था, कहाँ था? हिडन नदी के किनारे था, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ, उत्तर प्रदेश जो कि हम लोगों का प्रदेश है, ये मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये आलमगीरपुर स्थल है, ठीक है। पर्यटक आते हैं घूमने, जहाँ जहाँ स्थल है वहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने, यहाँ तक कोई दिक्कत बहुत सही। वर्ष 1974, ठीक है, वर्ष 1974 लिखते चलेंगे। वर्ष 1974 की अगर बात करें तो रविंद्र सिंह विस्ट ने क्या कराया था? बनावली स्थल जो है, बनावली, ठीक है, बनावली एक बनावली स्थल था, ये भी संधव सभ्यता का ही एक भाग था, ठीक है। बनावली जो कि रंगोई नदी के किनारे बसा था, ठीक है, रंगोई नदी किनारे बसा था, उसकी खुदाई करवाया था वर्ष 1974 में रविंद्र सिंह विस्ट ने, ठीक है। ये सब पुरातत्व विभाग के अधिकारी होते हैं, और ये हरियाणा के हिसार, ठीक है, वर्तमान में हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला से, ठीक है, हिसार, हरियाणा के हिसार जिला में वर्तमान में है ये स्थल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सब वर्ष 1900 में ही करवाया गया था, ठीक है, 1970, 1972, 1990, 1991, ठीक है। और इन्होंने ही, ठीक है, उन्होंने ही, लेकिन ये 1990, ठीक है, वर्ष 1990 इन्होंने ही, रविंद्र सिंह विष्ट ने ही धौलावीरा स्थल जो है उसकी भी खुदाई करवाई थी। ये मनहर नदी के किनारे था, ठीक है, मनहर, ठीक है, मनहर नदी के किनारे था, ये वर्तमान में जो है गुजरात में, कच्छ जिला है ना, कच्छ, गुजरात के कच्छ, ठीक है, गुजरात। ये था धौलावीरा को अभी खुदाई इन्होंने करवाया था वर्ष 1990 में रविंद्र सिंह विष्ट ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? बहुत सही, शानदार। अगर हम बात करें वर्ष 1975, यहाँ वर्ष 1975, ठीक है, 75 से 1976, वर्ष 1975-76 में जेपी जोशी थे एक, उन्होंने, जेपी जोशी ने जो मांडा स्थल एक, ठीक है, मांडा स्थल है जो कि चिनाव नदी के किनारे पर था, ठीक है। चिनाव कहाँ पर बहता है? ये जम्मू में बहता है, ठीक है, जम्मू में। तो उसकी खुदाई कौन करवाया था? जेपी जोशी ने, ठीक है, इन्होंने करवाया था, और ये जम्मू में अखनूर जिला है, उसकी इन्होंने खुदाई करवाई थी। चलिए, ठीक, बहुत सही, नोट करेंगे आप लोग, ये बार क्लास को शेयर करेंगे, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, एक बार नोट करेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।